1907 ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਗਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਜਾਗਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। साल मैं इंडियन एयरफोर्स विच अस्तीफा दे के जब 1977 फिर सफदरजंग एयरपोर्ट के UPSC के थ्रू एयरक्राफ्ट इंजीनियर बनया। तो कांशीराम जी साढ़े घर लोधी कलोनी आए, उन्होंने मैनू यह समझाया कि मैं 1964 तो 1977 तक 13 साल महाराष्ट्र में बाबा साहब के मिशन नू गुरु ग्रंथ साहब की सेध गुरु गोबिंद सिंह की गल जद करन दे लई शुरू कीती सी, उत्थों मैं कामयाब नहीं होया। हुण मैं सोचिया कि तुसी भी नौकरी करदे हो, असी भी नौकरी छड्डी है, तुसी नौकरी छड्ड के समाज दी सेल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट विच आओ तां असी सारे रल के फिर अगे सारे देश दे विच हजारां साल दे गुलामां दी इज्जत और अणख दी लड़ाई लड़ीए। और उस वेले असी इह फैसला कर लिया, मेरे छोटे भरा ने कह दिता ऐसा लाखा ने IAS ने कि कांशीराम जी असी इहनू हुण स्पेयर कर दिंदे आ क्योंकि तुहाडी लड़ाई दे विच पूरा सहयोग देगा। उस वेले कांशीराम दे कहे दे बाद घर अस्तीफा दे के घर आए और घर आके दिन रात फिर असी कैडर कैंप लाए, मीटिंगां कीतियां, सैल्फ रिस्पैक्ट दी गल कीती, गल करके जद असी लोकां नू समझाया कि जे असी बंदे बन गए तो दुश्मन नू बंदे दे पुत बना देवांगे, जिन्हां ने हजारां साल तो मूल निवासियां दे नाल धोखा करके वारो आए धारवी आरिया लोगों ने सोने की चिड़िया खाख की चिड़ी पुड़िया बनाया, कैडर के पलाए और नया चिराग नई रोशनी, असी एक जालम किदा जुलम करता वह दस के लोगों नू तैयार करके मूवमेंट नू अगे वधाया। इस करके ये जो मूवमेंट शुरू की लोगों नू असी समझाया कि किस तरीके दे नाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट लैके दिती, किस तरीके नाल असी पढ़े हाँ, किस तरीके दे नाल असी लड़ाई लड़नी आ, ये असी अगे जाके लोगों नू जब समझाना शुरू किया तो हौली हौली लोगों नू ये दस्या कि जब सुनहरी युग सी उस वेले गोल्डन डेस गए, देश दुनिया के विचों अमीर सी, बारों आए धारवी आरिया लोगों ने इन्हें खत्म किया। उस तो बाद महात्मा बुद्ध जी ने फिर बुद्धिज़म शुरू किया और अशोक ने फिर गोल्डन डेज ले आंदे। उस तो बाद उन्होंने पोते विदर्थ नू पुष्पामित्र शुंग ने सेनापति जो देवरिया था उसनू कतल करके इस देश दे विचों बुद्धिज़म खत्म करता, सुनहरी युग खत्म कर दिता। और उस तो बाद मनु नू सद के जो मनु समृति बनाई गई इस देश दे मूल निवासियों नू 6000 जातां विच वंड के उन्होंने बहुत बड़ा भारत के नाल भारत के लोगों नाल जुल्म होया। इस करके जिन्ने भी धारवी लोग आए उन्होंने उन्होंने सहयोग दिता, परंतु मूल निवासियों नू 6000 जातों में वंड के ग्रेडिंग डिग्रेडिंग बना के उन्होंने नाल जो जुल्म होया वो असी लोगों कैडर कैंपां दे विच और अपने रामंडिक पार्टियां दे विच समझाया। उस तो बाद उन्होंने ये दस्या कि साडे पास एक इतिहास है 1270 तो लैके 1708 तक किस तरीके दे नाल नामदेव जी गुरु ग्रंथ साहब की सेध गुरु गोबिंद सिंह जी का दर्शाया प्रोग्राम असी लैके लोगों नू समझा के सारे देश दे विच मानस की जात सब एक पहचानमो की लड़ाई लड़के असी अगे वधे। इस तरीके दे नाल नामदेव कबीर रविदास सैन सदना जी गल याद रखी, फिर गुरु नानक देव जी ने ना रल के इस मूवमेंट नू होर अगे वधा के जिस वेले जात पात नू खत्म करन दी गल कीती, जिहड़ी प्रैक्टिकल खालसा समाज जात पात रह समाज बनाया वह 13 अप्रैल 1699 नू गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिस आनंदपुर साहब दे विच जो गल कीती उस दे विच सारे दे सारे नामदेव कबीर रविदास सैन सदना धन्ना बुद्धू कुमार पंज प्यारे और भाई लालो उन्हां दी ही औलाद 80000 लोगों ने उठ के
मानस की जात सब एक पहचान मोदी ले लड़ाई लड़ी विपरन बाद दे विरुद्ध लड़ाई लड़के जो गुरु नानक देव जी ने तीन को क्यों मंदा आखिए जम्मे रजान की लड़ाई सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने माई भागो नू तलवार अमृत छका के घोड़े दे चला के तलवार लैके विपरन बाद ब्राह्मण बाद और मनु बाद दे बनाए हुए समाजिक ढांचे की जात पात नू खत्म करने के लिए उन्होंने अगे लड़ाई लड़ी। असी जब लोगों ने यह गल की उहदे नाल बहुत बड़ा अगारा मिलिया। अगारा बन के बाद असी एम पी बने मैंबर पार्लीमेंट दो बार बने 89 दे विच और 96 दे विच सारे नाल ज्यादा पार्लीमेंट में असी बोलिया क्यों क्योंकि कंशराम ने यह गल सू समझाई सी कि थोड़े रास्ते विच रोड़े आउणगे बच के चलना होगा और अपने पैसे नाल नहीं लोगों की लड़ाई है आजादी की लड़ाई है। यह जो पहली लड़ाई 1270 तो 1708 तक गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ी वो असी लोगों को समझाया। दूसरी लड़ाई फिर 1840 1848 तो लैके 1956 तक महात्मा ज्योतिराय फूले तो लैके डॉक्टर अंबेडकर तक लड़ी। तीसरी लड़ाई फिर कंशीराम के नाल रल के असी शुरू की ताकि इस देश के हजारों साल के गुलामों इस देश के फिर मालिक बना के फिर भारत में सोने की चिड़िया शुरू की जाए। लोगों ने समझाया कि 18 अगस्त 1932 किस तरीके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पढ़ का अधिकार जमीन का वोट का अधिकार लैके दिता किस तरीके 1936 का 1935 का पहला इंडिया एक्ट बनया एंगलो एक्ट बनया कि सानू अधिकार मिले। 1936 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस वेले सिख मिशनरी कॉलेज बॉम्बे शुरू किया ताकि सारे देश दे विच बैंगलोर दे विच इस तरह का कॉलेज बनाइए एक हैदराबाद बनाइए और असी बना के सिखिज़म की गल सारे देश में ले जाइए। परंतु सिखां दे लीडर ने उन्हां दी गल नहीं मनी और उस तो बाद एक डॉक्टर अंबेडकर ने 7 जुलाई 1942 फिर चर्चिल अंग्रेज़ के नाल गल की कि सैपरेट सैटलमेंट प्रोग्राम उन्हां दे नाल ट्रीटी हो गई कि जिन्हें भी 90 करोड़ हैक्टर जमीन आ यह सारी उन्होंने लोगों को वंडी जाए जो खेतों में काम करते हैं परंतु जहाँ को खेत है नहीं ताकि उन्होंने कोई इज्जत ना लुटी जा सके। परंतु उस वेले इन्होंने महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने जी उन्होंने सैपरेट सैटलमेंट स्कीम से वह बंद हो गई। वह अंग्रेज फिर अगे नहीं कर सके क्योंकि सैकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारत को आज़ाद कराने के लिए शुरू हो गया। यह सारी दारिया गल्ला असी कैडर कैंपा के और सारे देश के दे चलाइया। मैं सारे मेरी जी ड्यूटी सी हिमाचल जम्मू हरियाणा और दिल्ली में चला दे उस तो बाद एम पी बन के फिर सारे देश के दे इस मूवमेंट में चलाया चला के असी लोगों के इनू मानता प्राप्त की पार्टी मानता प्राप्त करके फिर सानू ये पता नहीं सी कि इस मायावती ने अपने हाथ में लैके सारी सारी मूवमेंट ब्राह्मणवाद के हाथ में दे देनी है। और अज बहुजन समाज अज जो धोखा हो रहा लोगों के नाल वो फिर सतीश मिश्रे होनी ब्राह्मणिकल सिस्टम है जरा अपने हाथों में लैके पार्टी को सर्व समाज बनाता सर्व समाज बनाने के नाल अज कोई भी मनुवाद या गुरु ग्रंथ साहब की गल नहीं हो रही। और करोड़ों और अरबों के मायावती ने उस मूवमेंट को बेच के जिन्हें भी मिशनरी वर्कर सन उन्होंने सारे नूं बाहर कढ़ दिता उहदे नाल समाज नाल देश दे नाल बहुत वड्डा धोखा होया। अज सारे दे सारे लोग अज पिछे हट गए मिशनरी लोग और क्यों क्योंकि अज सारी दे सारी मूवमेंट ब्राह्मणा दे हाथ विच मायावती ने पैसे की खातर बहुजन समाज नूं सर्व समाज बनाता सब समाज बना के कोई मनुवाद के विरुद्ध नहीं बोलता। वो लड़ाई जी डॉक्टर अंबेडकर का मिशन और गुरु ग्रंथ साहब की गल गुरु गोबिंद सिंह की गल असी लैके चले सी वह बिल्कुल खत्म हो गई। इस करके असी बहुजन समाज के लोगों यही असी दिने मेरा ये ऐलान आ मुड़ के कि सारे फिर इकट्ठे होकर इस मूवमेंट में फिर इकट्ठे हो जाइए और सिखिज़म सारे देश में ले जा के फिर असी मजोरिटी में आके असी गोल्डन डेज लियाइए भाईचारा बनाइए खालसा समाज बनाइए जात पात तो रह समाज बनाइए। यही ही मेरा सारे नालों बड़ा सबनों मेरा सुझाव है। सवेरे 5 बजे दो औरतां बाजार नूं जानियां एक दे हाथ विच फुल है एक दे हाथ विच झाड़ू है। जिस दे हाथ विच फुल है
वो मंदिर जाती है जिसके हाथ में झाड़ू है वो सफाई करती है। क्या सफाई करना काम है? जे काम है तो ब्राह्मण तो लैके वाल्मीकि तक सारे नु करना चाहिए। जे फतवा तो मेरे समाज में क्यों? समाज की गरीबी लचारी ते गुलामी का उस वेले पता लगा जद मार्च 1961 नू एयरफोर्स दे विच जाके चंगे समाज के लोगों के विच रहण दा समा मिलिया। जो मैं 15 साल एयरफोर्स दे विच रहा, सारे देश विच घूम के पता लगा कि साढ़े ही समाज के उपर यह सारे नालों ज़्यादा गुलामी क्यों है। क्योंकि दुनिया विच भी गुलाम होए ने ओ काले अपने मालिक दी अंदर घर रसोई भी जा सकते, परंतु भारत का मूल निवासी इस तरीके दे नाल गुलामी विच कट्टिया गया, वो अनसीनेबल अनटचेबल अनशेडेबल हो गया। उन्हों किसी ने भी ना हवा ना पानी और ना ही जमीन मकान बनाने का हक नहीं दिता। इस दे बारे भावें साढ़े पिता जी दस्या करते सन, क्योंकि वह आधारा मूवमेंट दे विच 1928 नू ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਡਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਓ ਮਾਸ ਖਾਣੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਡਾਂ ਰੇੜੀਆਂ, ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਧ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ 1270 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਪਰਨਵਾਦ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ, ਸੈਨ ਸਦਨਾ ਧੰਨਾ ਬੁੱਧੂ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਪੱਤਝੜ ਵਰਗੀ ਕਿਉਂ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਮਾਉਣਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਈ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਰ ਹੈ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਖਸ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂ, ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਮੱਲ ਕਲੇਰ ਪੈਣੀ ਚੁੱਕਣੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਪੈਣੀ ਚੁੱਕਣੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਹੋਊ ਆਜ਼ਾਦ
भुखे पेट बिलक दे रहना कैसा सी ओ वक्त को लेना। कई बार मरे पशुआं दा कई बार मरे पशुआं दा खा के सोना मास मेरी कौम गुलामी दे विचों कद हो आजाद कौम गुलामी दे विचों कद हो जे गलती नल पब कर लेना नफरत दी मिलदी कूरी सी। पकतां वरां दे चुल्ले चौके तों बना के रख दे दूरी सी। जे गलती नल पब कर लेना नफरत दी मिलदी कूरी सी। बदतर सी किन्ने हालात उजड़े सी सब जज्बात कुट लेना माफी मंगवाउनी कुट लेना माफी मंगवाउनी सी। वक्त बरां दा राज मेरी कौम गुलामी दे चों कद हो आजाद कौम गुलामी दे विचों कद हो आजाद। चौधरियां दा रोप सिगा साढ़े तन मन दे विच सोख सिगा। रखे ही सोच दे रहना बाबे बोड़ सोच दे रहना किद्दा खुल्लू बंदी आवाज मेरी कौम गुलामी दे विचों कद हो आजाद कौम गुलामी दे विचों कद हो आजाद। दो औरतां तड़के 5 बजे बाजार च जा रही ने। एक दे हाथ विच फुल है ते दूजे दे हाथ विच झाड़ू। जिस दे हाथ विच झाड़ू है वह सफाई करन जा रही है ते जिस दे हाथ विच फुल है वह धार्मिक स्थान ते जा रही है। जे झाड़ू मारना ही कम है तो फिर अछूत तो लैके ब्राह्मण तक ये सारे क्यों नहीं करते। जे झाड़ू मारना फतवा है तो यह सिर्फ मेरी कौम के लोगों ही क्यों है। जदों अटल बिहारी वाजपेई इस मुल्क के 13 दिन प्रधानमंत्री बने तो लाखा जी पर आई कि पार्लीमेंट बीजेपी वोट करो क्योंकि तुसी पार्टी के चीफ विप हो ते बदले विच तुहाडी पार्टी 10 करोड़ रुपए पार्टी फंड दिता जाएगा। तो मैं ठोक के ना कर दिती और मैं काशी राम नाल पूरे मुल्क विच जा के स्टेजा तो अपने लोगों वंगार के कहा कि जब 1 रुपया दिहाड़ी लैण वाला 10 करोड़ नू भी नहीं विकया तो तुसी एक एक पैग बदले क्यों विकदे हो। जो 18 अगस्त 1932 नू बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के गुलामों नू वोट का अधिकार जमीन का अधिकार प्रॉपर्टी का अधिकार रिजर्वेशन का अधिकार लैके दिता वो भारत का जो रब नहीं कर सकिया और जो डॉक्टर अंबेडकर साहब अंग्रेजों के राज दे विच करके इस देश के गुलामों नू सोच होश और जोश की लड़ाई लड़ने लिए पढ़ाई का अधिकार लेके दे गए। इस करके मैं परिवार के सारे लोग पहला पढ़िया लिखा आदमी तैयार होया और 1947 से एक साल पहला पढ़ने लगे बाद अज फिर साथे हौली हौली पढ़ाई नाल मैं हवाई अड्डे इंजीनियर बनिया और लड़ाई लड़ने लिए तैयार होया
अज वाइस चांसलर छोटा भरा ये सिर्फ इसे करके बने सारे बच्चे कनेडे दे विच अमेरिका इंग्लैंड दे विच गए आ परंतु असी इस चीज़ नूं ये जानते हैं कि भारत दे विच विपणन बाद ने जो इस देश दे लोकां दे नाल धोखा किया उसके विरुद्ध लड़ाई दे लई तैयार करन दे लई असी पार्टी दे विच मूवमेंट दे विच सैल्फ रिस्पैक्ट मूवमेंट चलाउण दे लई आए। सर उच्चा करके तुरना है, सर उच्चा करके तुरना है तो जेलां कट्टणियां ही पैणियां ने, मनुवाद दीआं जड़ां साथियो हुण पट्टणियां ही पैणियां ने, डांगां सोटे अथरू गैस दे गोले ते पाणी दीआं बौछारां लगदा मरदे दम तक हुण साडे हड्डां च ही बहणियां ने, जेलां हुण साडे हौंसले नूं तोड़ मरोड़ नहीं सकदियां, सुरजीत मजारी आज़ादी दीआं तंदां हुण वटणियां ही पैणियां ने, हुण वटणियां ही पैणियां ने।
मार्च 1970 नू जिस वेले मैं सिविलियन एग्रीकल्चर एविएशन दे विच एयरक्राफ्ट इंजीनियर सी, मेरे छोटा भरा जो ISSR लखा उहदे नाल शिव धीर कंछ नाम नू साइकिल ते मोटरसाइकिल ते लैके घर आया ते नाल हरचरण भी वैसे चारे बैठे सीगे ਤਾਂ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ IAS ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਛੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਨਾ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ DS4 ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟੋਪ 'ਤੇ ਸਕੋਰਿੰਗ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਸਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਫਿਰ DS4 ਵੱਲੋਂ ਮੂਸਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 100 ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, 2 ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਔਰ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। 2 ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਤਾਂ 2 ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 32 ਸੀਟਾਂ ਹਰਾਈਆਂ। ਤਾਂ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ MP ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ MP ਬਣਿਆ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 85 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫਸਟ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਝੇ ਖੂਨ ਦਿਓ, ਹਮ ਆਪਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿਓ ਔਰ ਨੋਟ ਵੀ ਦਿਓ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹਿਰ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਲੜੀ ਆ 1270 ਤੋਂ 1708 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਪਰਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਦੂਸਰੀ ਲੜਾਈ 1848 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਧਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਘਰ ਵੜਦਾ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਕਹੇ ਪਿੰਡ ਕਰਨਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਪਰ ਭੋਰਾ ਡਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਭੋਰਾ ਡਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ।